वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने अभी देखा था कि हीट के बारे में, उससे पहले फ्यूल्स के बारे में, उससे पहले ट्रायंगल के बारे में। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होता है? तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। जो गर्माहट और ठंडाहट की डिग्री वही क्या कहलाती है? टेम्परेचर कहलाता है। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। इसके जो मेजरमेंट है वो क्या है? इसके तीन मेजरमेंट है आपका सेल्सियस, फॉरेनहाइट एंड केल्विन। सेल्सियस, फॉरेनहाइट एंड केल्विन, यानी टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। जो हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री है उसी को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कॉल्ड द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। इसके यूनिट ऑफ मेजरमेंट कितने कितने हैं? सेल्सियस, फॉरेनहाइट एंड केल्विन। अब इन तीनों में रिलेशन क्या है और तीनों का रिलेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे कभी हमको फॉरेनहाइट में दिया हो और हमें केल्विन में निकालना होगा, तब हम कैसे निकालेंगे? केल्विन में मान दिया हो तो फॉरेनहाइट में कैसे निकालेंगे? और सेल्सियस से केल्विन में, यानी इनका रिलेशन क्या है? अमाउंट इन तीनों में रिलेशन क्या है? तो रिलेशन क्या है? अगर डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस दिया हो तब क्या है? डिग्री सेल्सियस इक्वल टू फॉरेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। और अगर केल्विन में मान दिया हो तो सी प्लस 273, और अगर सेल्सियस में दिया हो तो के माइनस, यानी केल्विन माइनस 273। यहाँ पे के का मान केल्विन है और एफ का मान फॉरेनहाइट, क्योंकि फॉरेनहाइट को हम डिग्री फॉरेनहाइट और सेल्सियस को डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन से मापते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था 1 BTU इक्वल टू 1 फॉरेनहाइट, ठीक है ना? इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1 BTU इक्वल टू 1 फॉरेनहाइट। तो अगर कभी कभी 1 BTU दे देता है तो 1 BTU का मतलब क्या है? 1 फॉरेनहाइट। और 1 फॉरेनहाइट 1 BTU का मान अगर सेल्सियस में पूछे था तो फॉरेनहाइट की जगह अगर BTU दिया है तो उसकी जगह फॉरेनहाइट की जगह मान रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 BTU का मान 1 फॉरेनहाइट के बराबर होता है। तो द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है आपके? सेल्सियस, फॉरेनहाइट एंड केल्विन। अब इसमें रिलेशन क्या क्या है? रिलेशन है डिग्री सेल्सियस एफ माइनस 32 इंटू 5/9, के इक्वल टू के प्लस 273, के माइनस 273 एंड 1 BTU क्या है? 1 BTU इक्वल टू 1 फॉरेनहाइट। इसका मतलब क्या है कि 1 BTU, यानी BTU की फुल फॉर्म क्या बताई थी? ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है ना? 1 BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और इसको BTU कहते किसे थे? 1 pound वाटर को 1 degree सेल्सियस तक टेम्परेचर देने में जितने हीट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी जितने अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या कहलाता है आपका? 1 BTU। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। इसके आगे अभी हम इसका जो हीट है आप लोगों ने सब्सक्राइब किया उसको बहुत बहुत थैंक यू, और इसको कंटिन्यू करते रहे ताकि आप फायर एंड सेफ्टी का जो है वो प्रॉपरली सीखते रहे। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि फ्लैश पॉइंट किसे कहते हैं, फायर पॉइंट किसे कहते हैं और इग्निशन टेम्परेचर किसे कहते हैं। फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट एंड, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सर फ्लैश पॉइंट क्या है, फायर पॉइंट क्या है, बहुत हल्का सा डिफरेंस है, समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजन में है। तो आज मैं आपको बिल्कुल दूर कर देता हूं। फ्लैश पॉइंट फायर पॉइंट एंड इग्निशन टेम्परेचर, फायर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट एंड इग्निशन टेम्परेचर, ये क्या होते हैं दोस्तों? फ्लैश पॉइंट क्या होता है? फ्लैश का मतलब होता है ऐसी रोशनी या ऐसी आग या ऐसी लाइट जो 5 सेकंड से कम चले, जिसकी ड्यूरेबिलिटी यानी इसकी आपकी क्या है कि उज्ज्वल क्षमता वो सिर्फ 5 सेकंड की हो, यानी जो सिर्फ 5 सेकंड तक चले या 5 सेकंड तक प्रकाश दे और बुझ जाए, उसे हम कहते हैं फ्लैश। फ्लैश को बस इतना समझती है कि जो 5 सेकंड से कम में जले और बुझ जाए। अब यहां पर समझते हैं, कोई भी लिक्विड है, सपोज कीजिए इसको लिक्विड है, इसमें हमने पेट्रोल डीजल कुछ भी ले रखा है, ठीक है ना? यानी फ्लेमेबल मैटर ले रखा है, फ्लेमेबल लिक्विड है, और इसको हमने थर्मामीटर दे रखा है, ये हमारा क्या है? थर्मोमीटर है। इसमें क्या है दोस्तों? देखो, जब हम इसको किसी पेट्रोमैक्स या किसी गैस के द्वारा या लाइटर के द्वारा जब इसमें धीरे धीरे आप टेम्परेचर देंगे, यानी इसका रेज का टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे इसका जो है टेम्परेचर बढ़ेगा, ये हमारा
को बताता रहेगा। अब जैसे क्या होता है, जब थर्मामीटर से इसको नाप रहे हैं यहाँ पे हमारा टेम्परेचर में पता चलता जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसपे इसमें 5 सेकंड के लिए आग लगेगी और अचानक बुझ जाएगी। जैसे कि आपको देखते हैं, आप जब फास्ट फूड खाने जाते हैं जैसे चाउमीन या फ्राइड राइस वगैरह, तो उसमें वो क्या करते हैं, ऐसा टेम्परेचर आता है एकदम आग लगता है और बुझ जाता है, वही हमारा फ्लैश ऑयल कहलाता है। यानी जो ये आग है इसकी कितनी देर तक जले, ये 5 सेकंड तक जले और बुझ जाए, तो वो क्या कहलाता है, ऐसा टेम्परेचर जिसपे फ्लेमेबल मैटर आग पकड़े और 5 सेकंड के अंदर बुझ जाए, यानी फ्लैश करे और बुझ जाए, यानी ऐसा टेम्परेचर जिसपे फ्लेमेबल मैटर फ्लैश करने लगे। तो टेम्परेचर का जो पॉइंट है वो क्या कहलाता है, वो मिनिमम टेम्परेचर क्या कहलाता है, फ्लैश पॉइंट, ऐसा न्यूनतम तापमान जिसपे कोई भी फ्लेमेबल मैटर फ्लैश करने लगे, यानी फ्लैश किसे कहते हैं, जो 5 सेकंड तक रोशनी दे और रोशनी फिर उसकी खत्म हो जाए, तो क्या कहलाता है, फ्लैश पॉइंट। ठीक है ना दोस्तों, अब हम बात करते हैं फायर पॉइंट की। फ्लैश पॉइंट हो गया, समझ में आ गया होगा। अब फायर पॉइंट, मैं आशा करता हूँ कि फ्लैश पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। फायर पॉइंट क्या है, जब हम इसको टेम्परेचर दे रहे थे तो एक न्यूनतम तापमान ऐसा आया कि इसमें 5 सेकंड के लिए आग लगी और बुझ गई। अब इसका हम धीरे धीरे टेम्परेचर और बढ़ाते हैं, इसका धीरे धीरे टेम्परेचर और बढ़ाते हैं। जब इसका धीरे धीरे टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो एक न्यूनतम तापमान ऐसा आएगा जिसपे ये फ्लेमेबल मैटर क्या करेगा, आग पकड़ लेगा, क्या करेगा, आग। यहाँ पे दोस्तों देखिए हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर को दे रहे हैं, आग को कनेक्ट कर रहे हैं, वहां का तापमान बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। इसका विशेष ध्यान रखें क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर में नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों यहाँ पे हम आग दे रहे हैं, यानी टेम्परेचर यहाँ पे दे रहे हैं, टेम्परेचर को कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं। तब क्या हो रहा है, यहाँ पे हम फायर के द्वारा टेम्परेचर दे रहे हैं, यानी आग इसके आसपास है, लेकिन ये आग फ्लैश कब कर रही है, जब ये फ्लैश पॉइंट पे पहुंच रही है। यानी कोई भी, इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है इंडस्ट्रियल सेफ्टी में कि हमारे लिए पता हो कि फ्लैश पॉइंट फायर पॉइंट होता क्या है, क्योंकि हम किसी भी हर पदार्थ का उसका फ्लैश और फायर पॉइंट अलग अलग होता है, जिससे हम जान सकते हैं कि हमें कितना टेम्परेचर करना है या उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है, उसका मटेरियल हैंडलिंग कैसे करना है, उसको रखना कैसे, उसका स्टोरेज कैसे करें, इसमें बहुत योगदान देता है फायर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट और इग्निशन टेम्परेचर। इसीलिए इसको फायर सेफ्टी में बहुत पढ़ाया भी जाता है। 5 सेकंड से कम तक जो आग जले और बुझ जाए, यानी ऐसा न्यूनतम तापमान जिसपे फ्लेमेबल मैटर क्या करे, 5 सेकंड तक बर्न हो और बुझ जाए, यानी फ्लैश करे, तो वो फ्लैश पॉइंट। अब इसका हम टेम्परेचर, आग लगी और बुझ गई, फ्लैश किया, उसके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, इसका तापमान बढ़ाते जा रहे हैं। जब हम इसका तापमान बढ़ाते जाएंगे तब क्या होगा, एक टेम्परेचर, एक न्यूनतम तापमान ऐसा आएगा जिसपे वो क्या करेगा, फायर, क्या करेगा, फायर। इसमें फ्लेमेबल मैटर में क्या होगा, एकदम आग लग जाएगी, क्या लग जाएगी दोस्तों, इसमें आग। जब इसमें ये आग लग जाएगी तो वह न्यूनतम तापमान, यानी वो मिनिमम टेम्परेचर क्या कहलाएगा आपका, फायर पॉइंट। वह न्यूनतम तापमान जिस पर आपका फ्लेमेबल लिक्विड या फ्लेमेबल मैटर क्या करे, आग पकड़ ले, तो वो न्यूनतम तापमान क्या कहलाता है, आपका फायर पॉइंट कहलाता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों, फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट में सिर्फ टाइम ड्यूरेशन का है, आग इसमें भी लगती है, आग इसमें भी लगती है, लेकिन ये जो आग है सिर्फ फ्लैश के रूप में है, सिर्फ 5 सेकंड से कम के रूप में, और इसमें क्या होता है, आग कंटिन्यू जलने लगती है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, जब बिना किसी माध्यम के, यानी ऐसा तापमान जिसपे किसी भी माध्यम, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आग के द्वारा टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, यहाँ पे आग आ रही है और यहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई आग नहीं आती, यहाँ पे किसी रेडिएशन के द्वारा टेम्परेचर आए, यानी किसी रेडिएशन के द्वारा हमारे एनवायरमेंट का टेम्परेचर इतना हो जाए जिसपे ये फ्यूल क्या करे, बर्न करने लगे, तो वह न्यूनतम तापमान क्या कहलाता है, इग्निशन टेम्परेचर। इसमें क्या हो रहा है, आग लगा रहे हैं और उसके संपर्क में ला रहे हैं, लेकिन आग तब तक नहीं लग रही है, फ्लैश तब तक नहीं कर रहा है जब तक उस न्यूनतम तापमान तक तो नहीं पहुंच रहा है, और फायर तब तक नहीं लग रहा जब तक वो आपका न्यूनतम तापमान तक नहीं, यानी वह न्यूनतम तापमान जिसपे फ्लेमेबल लिक्विड क्या करे, फायर करने लगे, तो क्या कहलाता है, फायर पॉइंट। अगर वह न्यूनतम तापमान जिसका फ्लेमेबल लिक्विड क्या करने लगे, फ्लैश, तो क्या कहलाता है, फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट किसे कहते हैं, जो 5 सेकंड से कम में जले और बुझ जाए, क्या कहलाता है, हमारा फ्लैश पॉइंट। इग्निशन टेम्परेचर किसे कहते हैं दोस्तों, इसमें हम आग के द्वारा क्या कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, मैंने इसका एग्जांपल भी बताया था, और इसका भी कभी कभी क्या होता है, जब हम फास्ट फूड दही खा रहे हैं कुछ करते हैं तो कभी कभी तो फ्लैश पॉइंट तक सीमित रह जाते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा फास्ट फूड सेंटर होते हैं वहां पे आग लग जाती है, वो कब लगती है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर दे रहे हैं, यानी इस टेम्परेचर को देना, यानी इस टेम्परेचर को वहां पे नहीं रोका जाता है, जब वो नहीं रुकता है तब क्या होता है, वो फायर पॉइंट के रूप चला जाता है, जब फायर पॉइंट पे जाता है तो वो आग पकड़ लेता है। इसीलिए आप देखते हैं कि फास्ट फूड सेंटर्स में अधिकतर आग लगती रहती है, क्योंकि वो फ्लैश पॉइंट को ऐसा
अपने प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं कि हम यहाँ पे फायर फ्लैश दे रहे हैं, यहाँ पे हमारे फ्रूट्स में फ्लैश निकल रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो धोखा कर जाते हैं, वो फायर पॉइंट तक पहुंच जाता है और वो टेम्परेचर आपका फायर पकड़ लेता है, यानी भयंकर तापमान जिसके ऊपर फ्लेमेबल लिक्विड आग पकड़ लेते हो, क्या कहलाता है फायर पॉइंट। इग्निशन टेम्परेचर में क्या हो रहा है, इसमें हम किसी चीज का माध्यम का उपयोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम आग का उपयोग कर रहे थे यानी टेम्परेचर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम टेम्परेचर नहीं देते, यहाँ पे रेडिएशन के द्वारा कैसे भी कोई व्यक्ति अगर है वहां पे और आसपास में कोई फ्लेमेबल लिक्विड रखा है, तो अगर वहां का जो टेम्परेचर है यानी भाई इतना टेम्परेचर हो जाए कि किसी कंटेनर में रखा हुआ फ्लेमेबल लिक्विड यानी इस एनवायरमेंट का इतना टेम्परेचर हो जाए, भयंकर तापमान हो जाए, जिसपे ये जो फ्लेमेबल लिक्विड है ये बिना किसी माध्यम के आग पकड़ ले, ये ऑटोमेटिकली जलने लगे, तब वो क्या होता है आपका इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों, इग्निशन टेम्परेचर फायर पॉइंट और फ्लैश पॉइंट किसे कहते हैं, फ्लैश पॉइंट क्या होता है ऐसा टेम्परेचर जिसमें न्यूनतम तापमान जिसपे कोई फ्लेमेबल मैटर क्या करने लगे फ्लैश, तब वो क्या हो गया आपका फ्लैश पॉइंट, यानी फ्लैश किसे कहते हैं 5 सेकंड तक जले और बुझ जाए। फायर पॉइंट वह न्यूनतम तापमान जिसपे कोई भी फ्लेमेबल लिक्विड क्या करने लगे जलने लगे आग जल जाए, तो वो क्या कहलाता है फायर पॉइंट। तीसरा क्या आता है इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है जब वो किसी रेडिएशन के द्वारा किसी बाहर तत्व से क्या करे इतना टेम्परेचर हो जाए इस एनवायरमेंट का कि बिना किसी आग के यानी किसी डायरेक्ट बर्निंग के या बिना किसी माध्यम के क्या करने लगे फायर करने लगे यानी जलने लगे, तो वो टेम्परेचर क्या कहलाता है इग्निशन टेम्परेचर। इन तीनों का बड़ा महत्व है हमारी इंडस्ट्री में, क्यों, क्योंकि हम जब जहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री में वाइल्ड प्लांट्स में कहीं भी रहते हैं वहां कंटेनर होते हैं या एक जगह से दूसरी जगह फ्लेमेबल मैटर भेजना होता है, तो हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये जो फ्लेमेबल मैटर है कितने टेम्परेचर तक सीमित आप फ्लैश करेगा, कितने टेम्परेचर पे फायर करने लगेगा और क्या इसका इग्निशन टेम्परेचर है। जब ये हमें पता होंगे तो हम स्टोरेज में हैंडलिंग में ट्रांसपोर्टेशन में बहुत अच्छे से सावधानी पूर्वक ये कार्य कर सकेंगे, अन्यथा ये कार्य सावधानी पूर्वक नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना, ओके दोस्तों, थैंक यू, और कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फायर सेफ्टी कंस्ट्रक्शन एनवायरमेंट इंडस्ट्रियल सेफ्टी इन सबके अधिक से अधिक आपको सॉल्यूशन मिलते रहे, और कभी भी कोई भी समस्या हुआ करे या किसी चैप्टर पे आपको लगता है वीडियो बनवानी चाहिए तो इस कमेंट बॉक्स में उसको लिखना ना भूले, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी वीडियो बना लूं। ओके गाइस, थैंक यू।